दोस्तों नमस्कार, मैं चिंतामणि जयपुरी आप सबका स्वागत करता हूँ एक और नए वीडियो में। अभी मैं निकल रहा हूँ बैंगलोर के लिए, अभी 10 बजे की मेरी फ्लाइट है। तीन चीज़ें हैं जिसके बारे में पहले मैं बात कर लेता हूँ निकलने से पहले। पहला क्वेश्चन ये है कि क्या आपने रिजाइन कर दिया, क्या आपने अपना ट्रांसफ़र करा लिया? तो मैंने रिजाइन नहीं कराया है और ट्रांसफ़र भी नहीं कराया है। जब तक मैं अपना जॉब का ट्रांसफ़र नहीं करा लेता हूँ तब तक मैं हर एक वीक जाऊँगा, छुट्टियों में वीकेंड्स में मैं यहाँ पर रायपुर में रहूँगा। अभी मेरे लिए ज़रूर स्ट्रगल बढ़ जाएगा, बार बार बस में या बाइक में इतनी दूर मेरे को ट्रैवल करना पड़ेगा, बट यही तो स्ट्रगल है। बहुत जल्दी मैं ट्रांसफ़र भी करा लूँगा। दूसरा क्वेश्चन था कि ज्योति के ब्यूटी पार्लर का क्या होगा। ज्योति का नया ब्यूटी पार्लर यहाँ पे खुलेगा, नए सिरे से सब कुछ चालू करना है। तीसरी बात, अभी मैं फ़्लाइट में ट्रैवल कर रहा हूँ, कैसे बहुत रईस हो गया हूँ आप लोगों को बता रहा हूँ, किसी को मत बताना। बीच में मैंने पेटीएम के साथ में एक कोलैबोरेशन किया था फ्लाइट ट्रैवल के, कुछ फ्री कूपन्स हैं मेरे पास। अगर आप लोग इंस्टाग्राम में मेरे को फॉलो कर रहे हो तो आप लोगों को पता होगा, तो उसकी वैलिडिटी समाप्त होने वाली थी, तो मैं सोचा कि चलो मैं यूज़ कर लेता हूँ उसको। और बैंगलोर क्यों जा रहा हूँ, तो वहाँ पे यूट्यूब का एक वर्कशॉप है। अभी नागपुर मीटअप में किसी भाई ने मेरे को पूछा कि आप अपना कैमरा कब अपग्रेड करोगे, लैपटॉप कब अपग्रेड करोगे, ड्रोन कब लोगे, तो मैंने उनको बोला कि ये सारी चीज़ें अपग्रेड करने से भी ज़्यादा ज़रूरी हैं कि मैं खुद को अपग्रेड करूँ, तो वही करने के लिए जा रहा हूँ। भाई छोड़ने के लिए एयरपोर्ट। वो देखिए हवाई जहाज, उसी में अभी उड़ने वाला हूँ। से 30,000 फीट की ऊंचाई पे सुसु करूंगा अभी। बैंगलोर की धरती पे कदम रख चुका, बहुत दिनों से मेरी चाहत थी कि मैं बैंगलोर रहूं। मैंने काफी सुना है, अच्छा एग्जिट इधर, मैंने काफ़ी सुना है बैंगलोर के वेदर के बारे में। कहते हैं कि यहाँ पे भगवान ने ना नेचुरल एसी लगा के रखा हुआ है। तो अभी तो मैं एयरपोर्ट के अंदर में हूँ, तो यहाँ पे तो एसी लगा हुआ है, बाहर जाने के बाद पता चलेगा कि बाहर का वेदर कैसा है। मैंने एयर होस्टेस से पूछा कि वहाँ बैंगलोर का वेदर कैसा रहता है बोल के, तो वो बोली कि बहुत प्लेजेंट वेदर है, ना तो अभी वहाँ पे गर्मी है ना तो ठंड है, बहुत अच्छा प्लेजेंट वेदर है। अभी जाके देखते हैं एक्चुअली क्या है। मैंने जो रूम भी बुक किया है वो फैन वाला रूम है, नॉन एसी रूम है। और ये मैं बैंगलोर के एयरपोर्ट से बाहर आ चुका हूँ, और सच में यहाँ पे तो बाहर बिल्कुल देखो आप, मेरे को इतना पसीना आता है लेकिन पसीना नहीं आ रहा, एक बूंद नहीं है, एकदम मस्त एसी लगा है टाइप का लग रहा है बैंगलोर में। वाह यार, नेचुरल एसी। तो अभी प्लान ये है कि यहाँ से जो मैं होटल बुक किया हूँ वो यहाँ से शायद काफ़ी दूर है, अगर मैं ओला उबर करता हूँ तो वो लगेगा लगभग 1100-1200 रुपये। तो मैं क्या कर रहा हूँ, अभी बाहर जा रहा हूँ बस स्टैंड, वहाँ से बस लूँगा, पैसे बचाने हैं, बहुत कुछ करना है। बाकी बैंगलोर आके बहुत 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 मस्त फील कर रहा हूँ, ज़बरदस्त फील कर रहा हूँ। ये वाली बस जो है KIA 8, ये जाने वाली है यहाँ से कस्तूरी नगर। ये सारी जानकारी दी है मेरे को इंस्टाग्राम में कुमार नीतीश भाई ने, तो थैंक यू नीतीश भाई। किसी को नहीं बुलाया एयरपोर्ट लेने के लिए, तो सबसे पूछ के जा रहा हूँ, तो इसी बहाने शहर एक्सप्लोर करने का मौका मिल रहा है। बस की जर्नी समाप्त हुई, अभी आ रही है ओला। अभी टेक्नोलॉजी की वजह से ज़िंदगी कितनी सुकून भरी हो गई है। पहले एक टैक्सी हायर करने के लिए कितना लफड़ा करना पड़ता था, अभी बस कुछ बटन दबाओ और आपकी राइड आपके रास्ते में। राइट टाइम पे हमारी ओला आई है, जैसे ही ओला आई वैसे ही बारिश चालू हो गई है। कितना मिनट दिखा रहा है? छः मिनट। छः
छः मिनट और उसके बाद फिर रूम में होंगे। वो होटल तक छोड़ रहे हैं ये जी। कुमार जी, जी। ये कहाँ के जाना लगा रही है? ये YouTube पे दिखेगा, इंटरनेट पे। हाँ मैं अपने रूम, होटल रूम दिखाता हूँ आप लोगों को। काफी खूबसूरत है। और आपका भाई कुछ इस तरह से दिख रहा है। और इस तरफ है बाथरूम। एसी नहीं है, फैन वाला रूम है, बट अच्छा है। काफी कम पैसे में मिल गया। आप लोग विश्वास नहीं करोगे कि बैंगलोर में ये रूम मेरे को कितने में मिला है, 500 रुपीज़ में। फ्रेश होता हूँ, उसके बाद फिर बातें करता हूँ आप लोगों से। बेंगलोर में आने के बाद में बेंगलोर के भाइयों ने तो स्वागत किया ही किया। इंद्र देवता भी बहुत दिलो जान से स्वागत कर रहे हैं। झमाझम बारिश हो रही है यहाँ पे, तो मैं सोचा था कि जाके बेंगलोर एक्सप्लोर करूँगा। आज का पूरा हाफ डे मैं फ्री रखा था, बट इंद्र देवता चाहते हैं कि मैं रूम में आराम करूँ, वीडियो एडिट करूँ, काम करूँ, कीटो वाला वीडियो बनाऊँ, तो वही कर रहा हूँ मैं अभी। अभी बेंगलोर आने के बाद में दो चीज़ें मैंने ज़िंदगी में पहली बार करी हैं। मज़ा आ रहा है मेरे को तो। यहाँ पर का इंटरनेट स्पीड तबाही है, एकदम तबाही। मैं तो ज़िंदगी में पहली बार इतना ज़बरदस्त फास्ट स्पीड वाला इंटरनेट चला रहा हूँ। ये देखिए 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 देखिए, ये 100 तक जाता है ये। और ये डाउनलोड स्पीड है, मेन है अपलोड स्पीड। देखते हैं अपलोड स्पीड, देखिए। आहा, जन्नत में हूँ लग रहा है कि यूट्यूबर के लिए और क्या चाहिए। कचब मस्त है ना। दूसरा जो एकदम नया चीज किया हूँ वो है, मैं खाना ऑर्डर किया हूँ ऑनलाइन, वो भी जोमेटो में। और मेरे को ना यहाँ पे एक कीटो किचन नाम का रेस्टोरेंट मिल गया, तो इनके पास कीटो वाली सारी जो डिशेस होती हैं जो मैं खाता हूँ अभी मेरे इस कीटो डाइट में, वो सब इनके पास में अवेलेबल थी। और योर ऑर्डर इज ऑन द वे। वाह क्या टेक्नोलॉजी है यार, मस्त एकदम सब चीज़। तो बेंगलोर आने के बाद मेरा एक्सपीरियंस बहुत शानदार, बहुत मस्त लग रहा है। यहाँ पे आके ऐसा लग रहा है कि यार यहीं घर बनवा लूँ। क्या वेदर है यहाँ पे, यहाँ पर का ट्रैफिक एकदम सिस्टमेटिक है, बड़ा अच्छा लगा मेरे को। यहाँ के लोगों को हिंदी भी आती है, सबसे बढ़िया। अभी दो दिन और हूँ यहाँ मैं, तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। मैं कुछ कुछ काम करता हूँ, इंटरनेट खेलता हूँ। अभी मेरा खाना भी आने वाला है। उम्मीद है कि मेरे को जितना मज़ा आ रहा है उतना आप लोगों को भी मज़ा आ रहा होगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही। राइड सेफ ऑलवेज, वियर अ हेलमेट। जय हिंद, जय भारत। और मैं धीरे धीरे बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जोर से बात करूँगा तो इको होगा, आवाज गूंजेगी, इसीलिए धीरे धीरे बात कर रहा हूँ। और ये मेरा खाना भी आ गया, मैं खाना खाता हूँ, भूख लगी है जम के।